अवैध रूप से जमीन कब्जा करने को लेकर पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाने के रसूलपुर उर्फ पसीपुर गांव निवासी पीड़ित रामपलट का आरोप है कि मेरी जमीन को विपक्षी द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व कर्मी द्वारा मनमानी तरीके से जमीन की पैमाइश की गई, जिसमें गाटा संख्या 722 क की पैमाइश नहीं की गई और मेरे गाटा संख्या में कब्जा दिला दिया गया। इसकी शिकायत तहसील से लेकर जिला के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की शिथिलता के कारण मुझ गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उसकी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। विपक्षी दबंग व्यक्ति है, इसके प्रभाव के चलते स्थानीय थाने और तहसील के अधिकारी और कर्मचारी इस गरीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या नाम आपका? चंदन सर। किस गांव के हैं आप? पासीपुर रसूलपुर। क्या समस्या आपके साथ घटी? समस्या साहब ये है, मैं जमीन का दरखास्त ले गया रोकने के लिए, तहसील पर से कागज ले गया। मुझे रोका के बैठा के समझाने लगे कि तुम इसी मान जाओ। मैं कहा मैं नहीं मांग लूंगा, इस नाते मुझको कहे चलो तुमको 51 पे चलान कर दे रहा हूँ। हम साहब अनपढ़ आदमी, 51 क्या जाने, हमें अंदर कर दिए, उसके बाद बैठा दिए, बैठाने के बाद चलान कर दिए। उसके पहले ही काम यहाँ पे हो रहा था, मेरे वहीं बंद था, फिर भी काम हो रहा था। अच्छा, आप शिकायत लेकर गए, उल्टा आपको ही बैठा लिया गया। हाँ साहब, आपके ऊपर जो शिकायत लेकर गए उस पर कार्रवाई नहीं हुई? जी साहब नहीं। तो क्या मांगा आप लोग, क्या चाहते हैं साहब? हमारे चाहते हैं, हमारा सामने पूरा ही खुलता था, अब मकान पहले था, उसके बाद तोड़ने के बाद पीछे हम लोग बनाए, उसके बाद आगे खुला था, आगे सब जबरदस्ती में सब मानना होता, मैंने सब जबरदस्ती साहब कुल करके बना लिए साहब। आपकी जो जमीन है अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया? जी साहब। ये चाहते हैं जो भी आपका गाटा संख्या हो उसी के अनुसार आपको कब्जा मिलना चाहिए। हाँ साहब। और जो पुलिस प्रशासन उसमें आपको सहयोग नहीं की? जी कोई नहीं किया, हमें कोई नहीं किया। जी नहीं साहब। ठीक है, नाम आपका? और गांव कौन सा है? क्या समस्या हुई थी? समस्या हुई थी, मैं काल ही खड़ा था, अपन पानी भरने के लिए गए थे, तो लोग डांटे फटकारे, लोग और पुलिस वाले, महिला पुलिस वाले ही बुला लिए सर, हमें जबरदस्ती पकड़ ले गए सर। एक बार नहीं सोचा, इनके भी बेटी होगी, हमारी क्या इज्जत होगी। हमें 2 बजे से 8 बजे शाम तक बैठाए थे सर, हम अपने घर वाले में जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे घर वाले भी धमकी दे रहे थे, हमारी भाभी सबको ईमान नहीं डालने को भटका रहे थे सर। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा था सर? वही लोग, पुलिस प्रशासन, ये लोग सर, ये लोग विपक्षी लोग। तो आप लोगों ने शिकायत इसको लेकर थाने और अन्य जगह कर्मचारियों को किया था? सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं सुनवाई हो रहा सर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या आप लोग अपील करना चाहते हैं? हमें करना, हमारा जो है हमारे ही मिल जाए, जो आपकी जो जमीन है जो भी संख्या उसको उसी अनुसार कब्जा मिलना चाहिए। हाँ सर, ठीक, बहुत बहुत। क्या नाम आपका? रामपलट। किस गांव के हैं? तो थाना कौन सा पड़ता है? और जनपद? क्या समस्या है आपको? श्री मान जी की डेरे दरवाजे पर आज से 60 साल पुराना मेरा मकान है, चकबंदी से पहले का। एक ठाकुर साहब ने नजायज कब्जा किया, वहाँ गाटा संख्या 722 में गाटा संख्या का और खाती, गाटा संख्या में का हमारा मकान है और गाटा संख्या का में बाबू साहब की जमीन 67 कड़ी जमीन है, वो सर का के बजाय खा के बजाय का में कब्जा किए और दूसरे को बहनामा कर दिए और लेखपाल द्वारा जबरदस्ती नजायज कब्जा करवाया गया धमकी के भरोसे मुझे ले। तो आपको आपकी जमीन को जो थी आपको नापा नहीं गया आपकी जमीन? नहीं सर, मेरी जमीन नहीं नापा गया, कुछ नहीं, मुझे केवल ये कहा गया कि तुम्हारी जमीन यहाँ नहीं होगी। आपकी जमीन यहाँ नहीं है? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? इसकी शिकायत हमने सभी अधिकारियों को दिया, कोई सुनो थाना अध्यक्ष महोदय आए उसकी तरफ से पैसे उसे लेकर मुझे प्रदान करने के, मेरे बच्चे को बंद कर दिए, मेरी 18 साल की लड़की थी उसको ले जाकर बंद करिए और चैलेंज के साथ मुझे कहने लगे कि तुम्हारे जितना जोर लगा लो मैं ये काम बंद नहीं होने दूंगा। तो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, सच्चाई ईमानदारी करना चाहता हूँ, मेरा काम है, मुझे काम है देने की कोशिश की, कृपा किया जाए। अच्छा, जो आपकी मांग है, जो आपकी जमीन है उसको नाप के निकाला जाए? निकाला जाए सर। और जो आपके जितने मौके पे उसके साथ मिले आपका? मिला। ठीक, धन्यवाद।